बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वन प्लस के मोबाइल फोन्स पर आपको मैं कुछ इस तरीके की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो आपको बताने वाला हूं, कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं और क्या क्या इनके फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं बात करूं, आप कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर देखेंगे, आपको यहां पर जो भी फुल स्क्रीन गेस्चर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान आपको कुछ इस तरीके से टू फिंगर को ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना होगा और आपको ये शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे। इन शॉर्टकट के अंदर आपको गूगल असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी, पावर, वॉल्यूम अप एंड डाउन, रिसेंट ऐप, ब्राइटनेस अप एंड डाउन, साथ में लॉक स्क्रीन। आप अगर दूसरी तरफ स्वाइप कर देते हैं तो क्विक सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, स्क्रीनशॉट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपसे बात करूं, अगर आप इस पर टैप कर देंगे तो ये असिस्टेंट आपका चालू हो जाएगा यहीं से, और अगर आप टू फिंगर से स्वाइप अप कर देंगे तो वापस से आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन के जो ऑप्शन हैं उन पर अगर आप टैप करेंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं उस दौरान भी तो आपका ये जो वॉल्यूम रॉकर है उसका आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका वॉल्यूम रॉकर काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है। अगर आपका वॉल्यूम रॉकर काम नहीं कर रहा है तब भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, तो इस दौरान आप यहाँ पर वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं आप अपने किसी भी स्क्रीन के दौरान। आपको ज़रूरी नहीं है कि म्यूजिक प्लेयर के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप अप एंड डाउन कैसे करें, या फिर आप वीडियो प्लेयर में जैसे MX प्लेयर यूज़ कर रहे होते हैं उसमें तो आप स्वाइप अप एंड डाउन करके आप कर सकते हैं ऐसा कुछ, परंतु और किसी जगह पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ रिसेंट ऐप को अगर आपको बीच से निकालना है और अगर आप कारणवश निकल नहीं पा रहे हैं तो आप रिसेंट ऐप पर टैप कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल में ये एक शॉर्टकट है, परंतु आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं। ब्राइटनेस भी आपको अप एंड डाउन करनी हो तो आप यहीं से कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर अगर आप टैप कर देंगे तो आपकी जो स्क्रीन है लॉक हो जाएगी अगर आपका कोई भी शॉर्टकट सेटअप नहीं है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ आपको क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपके कुछ इस तरीके से स्टेटस बार से सारे क्विक टॉगल को निकाल देता है। अगर आप नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो नोटिफिकेशन पर टैप करेंगे तो ये आपके नोटिफिकेशन नीचे के शो कर देता है जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे, और स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर टैप करते हुए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चीज़ आपकी कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं उस दौरान आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर काफ़ी कुछ खास चीज़ देखने को मिल जाती है आपके लिए। अब मैं आपसे बात करूँ इसे आप कैसे अपने डिवाइस पर निकाल सकते हैं और कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहला काम करना है अपने डिवाइस की सेटिंग पर टैप करना है, सिस्टम पर टैप करना होगा। एक्सेसिबिलिटी नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें एक्सेसिबिलिटी मेनू आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको इनेबल करना है कुछ इस तरीके से अलाउ करते हुए, और ये बताता है कि टू फिंगर स्वाइप अप गेस्चर के द्वारा ये चीज़ वर्क करती है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और मैं डीपली बताऊँ तो अगर आप इसमें अपने डिवाइस पर जो बटन्स होते हैं उसके दौरान कैसे आप यूज कर सकते हैं इसी चीज़ को, तो अगर आपने बटन्स को सेटअप कर रखा होता है कुछ इस तरीके से आपको बटन देखने को मिलते हैं, अगर आप इस पर होते हैं और इसका आप सेटअप कर लेते हैं तो आपको एक आदमी दोनों तरफ हाथ फैलाए हुए कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। इस पर आप टैप करेंगे और यही सारे फीचर्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बटन्स का यूज करते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, परंतु वहाँ पर ये ऑप्शन शो होता है, परंतु अगर आप फुल स्क्रीन गेस्चर का यूज कर रहे होते हैं वहाँ पर ऐसा फीचर्स आपको शो नहीं होता है, परंतु वो चीज़ वर्क कर रही होती है, तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप इन क्विक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। मुझे पता था कि ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता थी, तो आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए बताने की कोशिश की जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अनोखी थी। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में वीडियो को और भी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा भी जरूर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।